नमस्ते, साहित्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव पालीवाल। आज मैं जिन साहब के साथ बैठा हूं, अगर ये ना होते तो मैं संजीव पालीवाल यहां इस कैमरे के सामने ना बैठा होता। ये जो साहब हैं और जिनकी स्टडी में इस वक्त मैं बैठा हूं, इनका नाम है सुरेंद्र मोहन पाठक। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग इनकी वजह से पत्रकारिता में आए, उन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई, दौलत कमाई। सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने हमको सपने देखना सिखाया कि एक पत्रकार, उसकी जिंदगी ग्लैमरस भी हो सकती है। हमें एक जमाने में, मुझे याद है, झोला छाप कहा जाता था कि ये कुर्ता पजामा पहनने वाले और एक झोला लटका के खादी का घूमने वाले लोग हैं। लेकिन सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की वजह से मैंने जाना कि पत्रकार झोला छाप नहीं होता, पत्रकार एक काम का आदमी होता है, वो बहुत कमाल के काम करता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद हूं कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपने सुनील कुमार चक्रवर्ती ना रचा होता, ना मैं और मेरे जैसे जाने कितने लोग ना होते। ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा सोचते हैं, नॉलेज करते हैं, बड़प्पन है आपका। तो सर, वहीं से शुरू करते हैं, सुनील कुमार चक्रवर्ती। सुनील कुमार चक्रवर्ती कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने ये सोचा कि एक पत्रकार को केंद्र में रखते हुए मुझे उपन्यास लिखना है? मैं बताता हूँ, इसके पीछे संयोग का भी हाथ है, मेरी प्लानिंग का भी हाथ है, इसलिए बताता हूँ। बड़े शर्म के साथ दाखिल दफ्तर करना चाहता हूँ कि उस ट्रेड में तब भी और आज तक भी मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा राइटर कोई नहीं था। कई तो राइटर अभिमान से कहते थे पढ़ाई का कोई रोल नहीं है लिखने में, अभिमान से कहते थे और मिसाल देते थे लोगों की, देखो ये कम पढ़ाया है, इसने इतना नाम कमाया वगैरह वगैरह। तो एक तो मेरे को ये थोड़ी सी वो हेड ऑन जो कहते हैं थोड़ी एडवांटेज मिल गई थी। तो जिस वक़्त मेरे को चांस मिला कि मैं नावल लिखूं, किसी ने मेहरबान होके कहा कि भी तू एक तो लिख देखते हैं, तो मेरे सामने सबसे बड़ा जो समस्या थी वो ये थी कि मैं हीरो कौन सा चुनूं। उस ज़माने में हीरो का रिवाज ये था, या तो CID का अफसर हो, या जासूस हो, या पुलिस वाला हो, या जैसे कर्नल विनोद अमीद जो थे मिलिट्री वाले थे लेकिन थाने बैठते थे, जो कि इम्पॉसिबल था। तो मेरे मन में एक नेचुरल अभिलाषा थी कि मैं कोई ऐसा हीरो पकड़ूँ जो कोई दूसरा ये ना कह सके कि मेरे से देख के बना लिया। तो मेरे को एक ही बात सूझी, मैं क्या पत्रकार भी तो इन्वेस्टिगेट ही करता है केस को, तो मैं पत्रकार ट्राई करता हूँ। तो मैंने पत्रकार बनाया, उसका बैकग्राउंड सीखी थोड़ी सी, चार लोगों से भी पूछे भी पत्रकार कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, हिंदुस्तान टाइम की रोटरी देख के आया, कैसे अखबार छपता है, क्या करता है। तो मैंने फिर पत्रकार बना के राइटर लिखा। सर एक मिनट, नावल तो छप गया लेकिन जो उस वक्त के राइटरों ने मेरी खिल्ली उड़ाई, जो उस वक्त के पब्लिशरों ने मुझे कोई इडियट करार दिया। पत्रकार भी कोई हीरो होता है, और जिसने छापना था उसने भी कह दिया, कहता नावल ठीक है, मेरे को कहानी पसंद है, लेकिन तू हीरो बदल तो छापूंगा, नहीं तो नहीं छापूंगा। तो मेरा जो स्पॉन्सर था उसने रिक्वेस्ट करके कहा कि तू ये छाप ले, अगली बार वो हीरो बदल देगा। तो उसने वो छाप लिया, मैंने हीरो नहीं बदला, उसने दोबारा छापा नहीं। पौने दो साल बस यही था कि एक ही नावल के लिए पैदा हुआ था मैं। आगे कोई चांस और तरीक़ों से लग गए, बड़े धक्के खाए, 10 साल बहुत दुर्गत में गुजरे, लेकिन हीरो खड़ा कर लिया मैंने। इस दर्जे तक मशहूर बना दिया उसको कि लोग नकल मारने लग गए, वो पत्रकार हीरो बनाने लग गए। मैंने ब्लास्ट लिखा अखबार का नाम, वो थंडर लिख देते थे, मतलब सब मिलता जुलता सारा लेआउट पैटर्न, मक्खी में मक्खी नकल मार लेते थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा बिल्डअप खड़ा करने वाला चला कोई नहीं। ब्लास्ट, ये नाम कैसे आया आपके दिमाग में? मतलब ऐसे ही रोबदार लगता है अल्लेबाज कोई, देखो ना कोई तो नाम रखना ही था मैंने। अब फलाना टाइम, ये टाइम, राजनगर टाइम, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये मुझे। और उस जमाने में आप कभी किसी पत्रकार से मिले थे? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता था कि पत्रकार इतना स्टाइलिश हो सकता है उस जमाने में? और आउटलेट नहीं दिखाई दिया ना मेरे को, और कोई आउटलेट नहीं दिखाई दिया कि मैं किसको बनाऊं, बताइए किसको बनाऊं।
उन दिनों स्पाई नावल चलते हैं, फिर कोई लिखता नहीं था, स्पाई लिखता भी होता तो मैं तो इतना काबिल नहीं था ना कि मैं स्पाई नावल बना कि सुनील कुमार चक्रवर्ती जो है वो सिगरेट पिएगा, बाइक से घूमेगा, उसका केबिन होगा, वो अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से इश्क फरमाएगा, झगड़ा करेगा, झगड़ा करेगा, और अमरीक सिंह काला बिल्ला जो है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जो है वो ड्रॉअर में रखी रहेगी। शुरुआत में नहीं थी ये बातें, पहले जो 10-12 नावल मैंने पढ़े थे लिखे थे उनकी कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन वो जो ये पुंदनेबाजी होती है उसमें बहुत कचरापन था और कुछ में तो था ही नहीं। मेरे को बाद में ये सूझा कि अगर मैंने एक सीरीज चलानी है तो हर करेक्टर की एक डिस्टिंक्टिव हैबिट्स होनी चाहिए। फिर मैंने रमाकांत को बेवड़ा दिखाया कि पीने वाला, उसकी दूसरी आदत यह दिखाई कि वो ताश खेलता था क्लब में ही रात के 1:30-2 बजे तक, सवेरे 1 बजे सो के उठता था। तो ये बातें लोगों को नहीं लगती थी, आजकल तो आम है ऐसे, मेरी बीवी टीवी 1 बजे तक देखती है, लेकिन उस वक्त ये बातें जरा कुछ आउट ऑफ द वे अनयूजुअल लगती थी। इवन यूथ क्लब, उस जमाने में एक यूथ क्लब बना देना और यूथ क्लब में रमाकांत का होना और जो सुनील की मदद लगातार करता रहता है। ये सब मेरे किसी अच्छे कर्मों के फल थे, ये प्लैंड नहीं था, ये बिल्कुल एक्सटेम्पोर था, वक्त के वक्त मेरे को पत्रकार तो मैंने सोच विचार के बनाया। वो तो मैंने एक बहुत बड़ा दाव खेला था कि सारे ट्रेड में बहुत नावल छपते थे तब और मंथली छपते थे, सारे ट्रेड में किसी ने पत्रकार को नहीं बनाया, खिले उड़े कहीं कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये भी टाइम आया कि जैसा आपने अर्ज किया, आपने फरमाया, लोग मेरे से इबरत हासिल कर रहे हैं कि पत्रकार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप उस जमाने में पत्रकार को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। छोटे शहरों में दिल्ली मुंबई तो चलिए थोड़ी बहुत इज्जत थी, पत्रकार को कोई यही नहीं समझता था तरीके से, ये करता क्या है, यही नहीं समझता थे, ये ग्लैमर तो आया टीवी के बाद। हाँ, लेकिन ग्लैमर आप तो पहले ले आए थे। मैं तो मेरा तो मेरी किस्मत देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो टर्म है वो मिड 70s में फेमस हुई, मैंने तो 1963 से अपने हीरो को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनाया। ये छोटा संजोग है, ये कितना बड़ा संजोग है। दूसरी मिसाल दी, मैं बताता हूँ, मेरे अपने नावल में है ये, सन 68 में छपे नावल, क्योंकि दो पाकिस्तान नहीं चल सकते, देख लो 71 में क्या हुआ। लोग पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं, मैं कह भाई मेरे को कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, एज ए ले मैन मेरी ये कॉमन सेंस कहती थी कि दो पाकिस्तान नहीं चल सकते, देख लो 71 में क्या हुआ। लोग पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं, मैं कह भाई मेरे को कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, एज ए ले मैन मेरी ये कॉमन सेंस कहती थी कि दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। देखो, ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान जाना हो, इंडिया रास्ता ना दे तो बाई शिप 19 दिन लगते हैं श्रीलंका के थ्रू दूसरे हिस्से में जाने में, कैसे चलेंगे दो मुल्क ऐसे। और दूसरी कोई मिसाल नहीं है सारी दुनिया में कि एक ही कंट्री के दो हिस्सों के बीच में 800 मील का फासला हो, है कोई मिसाल? आप बताइए, नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। जिन्ना कहते थे जब बंटवारा हुआ था कि हमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में गलियारा दिया जाए जो पाकिस्तान माना जाए, ताकि हमारी टू एंड फ्रो मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। बताओ ये कहीं हो सकता है कि आप जहाँ से गुजर रहे हो दाएं बाएं हिंदुस्तान है, बीच में से आप जा रहे हो, ये क्या है, ये पाकिस्तान नहीं चलने वाली बात थी। और फिर दूसरी, आपसे को क्या समझाऊँ, ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, बंद करता हूँ। सारे जो सिविल सर्विस के बड़े साहब बयान होते थे, जो मुल्क चलाते थे, वो लाहौर से आते थे, जो लोकल थे उनको क्लर्क चपड़ासी की औकात मानी जाती थी, बाकी जो ऊपर के सिर पे बैठाने के लिए दूसरे पाकिस्तान से लोग आते थे। तो कभी तो रिटेलिएट करना ही था ना, कहते अंग्रेज गया तो ये बैठ गए हमारे सिर पे, हम कहे के आज़ाद हैं। उनकी ये कहना था कि हम किस बात के आज़ाद हैं, हमारा तो सिर्फ आका बदल गया है, पहले अंग्रेज की हुकूमत थी हमारे सिर पे, अब इनकी हुकूमत है जो सिर पर आके बैठ गए, चाहे आया खान हो, चाहे ऊब खान हो, चाहे काला चोर हो, इस वजह से वहाँ इनकलाब आया, इस वजह से इनकलाब आया, चल ही नहीं सकते थे। तो हम वापस लौटते हैं, हाँ, सुनील कुमार चक्रवर्ती पे, सुनील सीरीज पे। सुनील जी, मैं
सुनील सीरीज और उसके बाद सबसे ज्यादा मकबूल हुआ सरदार सुरेंद्र सिंह सोहा, यानी कि विमल सीरीज जिसको हम बोलते हैं। तो विमल सीरीज का खाका कैसे बना? विमल सिंह का खाका ऐसे बना कि मैंने जितने नावल शुरुआती दौर में लिखे सबका हीरो सुनील था। थोड़ी बहुत उसकी पूछ हो गई थी, इसलिए पब्लिशर भी कहता था भाई अब जो जरा सा चल गया है तो यही लिख, दाएं बाएं इधर उधर झांकने की जरूरत, डांट के कहते थे। पब्लिशर ने तो जो कह लिया मैंने यस सर कह के सुन लिया, मजबूरी थी मेरी। कुछ रीडर कहने लग गए कि मोनोटोनी फील होती है कि एक ही बंदे के सारे क्रियाकलाप हम सब रहे हैं, और दूसरे ये आपकी मिस्ट्री स्टोरी को हार्म करने वाला सिस्टम है। वो कैसे कि देखो सुनील आपका हीरो है, ये मर्डरर हो नहीं सकता। रमाकांत उसका जिगरी है, ये मर्डरर हो नहीं सकता। ऐसे उसने दो तीन अर्जुन को फलाने को गिना के बताया, कहता तो पीछे क्या बचा? आपने तो अपनी जो मिस्ट्री के स्कोप को खुद ही कर्टेल कर दिया है। तो ये बड़ी समझदारी की बात उन्होंने ये कही थी कि आप तो चार तीन चार वो सस्पेक्ट खड़े करते हो, अगर आपका ये स्टैंडर्ड वही हर बार का जासूस ना हो तो सारे सस्पेक्ट होंगे। तो ये बात मेरे को बहुत चुभी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या भी मैं ये इस टाइप के मर्डर मिस्ट्री लिखने की तो सेंस नहीं है जिसमें कोई पिवोटल करेक्टर ना हो। तो मोनोटोनी तोड़ने का यही तरीका था कि मैं एक नया करेक्टर खड़ा करूँ। एक पब्लिशर थोड़ा पढ़ा लिखा था, मैंने उसे समझाया देखो मेरे दिमाग में एक ऐसे हीरो का कंसेप्ट है जो भागा हुआ है, मुजरिम है, जेल से भागा हुआ है और एक जगह टिकता नहीं है कहीं पे क्योंकि पकड़ा जाएगा। तो हर कहानी एक नए मेट्रोपॉलिटन टाउन में होगी उसकी जो कारनामा हुआ। ये बात पब्लिशर को जच गई, उसने कहा लिख। मैंने एक नावल लिखा, उसने छापा नहीं, चला ही नहीं, पब्लिशर भी ना, लेकिन उसने टोका नहीं मेरे को। दूसरा लिखा तो उसने हाथ खड़ा कर दिया, कहता मैं ये नहीं छापूंगा, तू चाहे पहले वाले ही लिख जाए जो लोग। बड़ा दुर्गत हुई, किसी के पल्ले नहीं पड़ा वो करेक्टर जो था, वो भी जरा अपने टाइम से। पर वो हिट कैसे हुआ? वो तो इतना जबरदस्त हिट हो गया। वो तो बस सूझ गई मेरे को किसी तरह से, मेरी किस्मत में लिखा था यश पाना। मेरे को यही सोचा कि एक शरीफ आदमी है, आजकल बेगुनाह फंसते ही रहते हैं, ये भी बेगुनाह फंसा जेल से भाग गया, जो कि वो बाद में मानता था मूर्खता है कि जो भागे थे वो तो उम्र कैद वाले थे, मेरी तो सिर्फ 2 महीने की सजा रह गई थी, मुझे क्या जरूरत थी भागने के लिए। भाग गया, ठप्पा तो लग गया फरार का ना, तो वो नहीं चली दोनों सीरीज, मन मेरा बहुत बैठा मेरा। उसके बाद फिर एक ये ओम प्रकाश गई है, नाम सुना होगा आपने, स्टर्लिंग पब्लिशिंग कंपनी, उस वक्त के इंग्लिश के बहुत बड़े पब्लिशर थे, पैसे वाले थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया हिंद की टक्कर का, नया पब्लिकेशन खड़ा करने का, बट पैसे वाले से कर सकते थे। पूरी फॉर्मेट ऐसा रखा, बड़े अच्छा स्टाफ रखा, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, बड़ी तैयारियां की, राइटरों को पैसा दिया एडवांस में, उनके लिए बैठने के लिए सेपरेट ऑफिस बनाया, कई कुछ किया। मेरी मेरे को भी उन्होंने कहा लिखने के लिए, तो मैंने तो मानना ही था, मेरे को तो कुछ आपने वाला नहीं मिलता था। तो मैंने ये सोचा अब ये मौका है, ये नया पब्लिशर है, इसको पता नहीं है ट्रेड का। तो मैंने विमल का ही नावल तीसरा लिख दिया कि ये इसको छापने के बाद पता लगेगा कि ये तो मार खाने वाला वो करेक्टर है, कहाँ फंसा दिया। तो उनको दे दिया मैंने, पैसे भी मिल गए, उनका पब्लिकेशन का नोज डाइव बंद कर दिया, उन्होंने ख्याल ही छोड़ दिया। इतने खर्चे किए हुए, राइटरों को पैसे दिए हुए, वो कह नहीं हिंदी में नहीं छापेंगे। 2 रुपये किलो कागज आता था, सीधा 9 रुपये हो गया खड़े पैर, मतलब 4 टाइम इन्वेस्टमेंट बन गई। तो अफोर्ड कर सकते। कौन से साल की बात है ये? कौन से साल की ये बात है? 68 की। तो अफोर्ड कर सकते थे वो इतना खर्चा, उन्होंने कहा भी हम नहीं छाप सकते। तो स्टाफ भी डिसमिस कर दिया, उनमें एक सुरेश कोहली भी था हुआ है उनके एम्प्लॉयमेंट में, इंग्लिश के लिए वो था, हिंदी के लिए रमेश बख्शी एक बड़े फेमस राइटर हैं, स्पाइस डाउन जिनके नावल पर फिल्म बनी थी, उनकी बीवी वहाँ पे हिंदी की इंचार्ज थी। तो उन्होंने बंद कर दिया, स्टाफ को भी हाथ जोड़ दिया, हमारे पे काम ही नहीं है। तो एक नए पब्लिशर उन दिनों पैदा होते ही रहते थे, एक आया नावल मांगने लगा, पे मेरे पे टाइम नहीं है लेकिन मेरे पे एक नावल है निगाह में,
वहाँ से मैं वापस ला सकता हूँ तो मुझे एडवांस पैसे दे। तो मुझे उस वक्त 800 रुपये मिलते थे, 1200 मिले थे वहाँ से, मैंने उससे 1500 मांगे, उसने दे दिए। तो मैंने कोहली साहब को कहा कि भाई मेरी स्क्रिप्ट दिला दे, मैं पैसे लौटाता हूँ। तो वो स्क्रिप्ट हैंड रिटन मिली थी, भेज दिए थे, टाइप्ड वापस आई। वो यही हैरान हो रहे थे कि और तो किसी राइटर ने ऐसी च्वाइस जाहिर की नहीं कि मेरी स्क्रिप्ट वापस कर दो। तो वो इस बहाने से तीसरा नावल छप गया। चौथा फंस गया एक अहमदाबाद वाला बंदा, वो भी नादान था, उसको पता नहीं था विमल चलता है। वो 65 लाख की डकैती नावल था, वो ऐसा चला कि वो तो कहता है मैंने यही छापना है, तू पैसे जितने मर्जी ले ले, अगला भी यही लिखना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब 6 साल 1500 रुपए से फिर 65 लाख की डकैती के बाद कितने पैसे मिले? उससे 3000 रुपये मिले थे। 3000 रुपये? हाँ, 3000 रुपये मिले थे। तो मांगे तो 5000 थे। तो अब लॉटरी निकले वाली बात थी, मेरी किस्मत में यश लिखा था। उसके बाद भी एक और राज की बात बताऊँ, 14 नावल लिख चुकने के बाद मैंने हीरोइन का मर्डर डेथ दिखा दी और ये अपनी तरफ से समापन कर लिया, ये सीरीज़ ख़त्म है। तो वहाँ लोगों ने शोर मचा दिया, रीडर ने हाहाकार मच गया, भैया क्या किया तुमने, इतनी बड़ी मूर्खता की। संजीव जी, एक रीडर ने मेरे को चिट्ठी लिख के सलाह दी कि तुमने लाश तो बरामद दिखाई नहीं है, हैं तो तुम किसी तरीके से राइटर हो, सोचो 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 जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो मरी नहीं थी। तो मेरे को फिर सोचा 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 तो सूझ गया, तो स्क्रिप्ट से कि वो फिर चल पड़ी सीरीज। मतलब कई बार ब्रेक आया, अब नहीं, अब कुछ नहीं रखा, अब कुछ नहीं रखा, किस्मत है फिर चल पड़ती थी। मैंने तो एक बार लेखिया में लिखा था जब 20 नावल हो गए थे, 22 नावल में, क्या मैं नहीं लिखता, ये तो कोई अदृश्य शक्ति लिखवा रही मेरे से, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे लिख लिया मैंने। मैं वापस पढ़ता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता, अभी भी है, मैं रीप्रिंट पढ़ता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता मैंने लिखा है। फिर मेरे रीडर ही मेरे को सलाहें देने लगे जो मैं बहुत गौर से सुनता था, उनकी किसी सलाह को इग्नोर नहीं किया मैंने। ये ना भूतो ना भविष्य थी स्लोगन जो है रीडर ने सुझाया, रीडर ने सुझाया। फिर आते हैं हम सुधीर कोहली पर। सुधीर कोहली प्राइवेट डिटेक्टिव, वो भी एक फ्लैम्बॉयंट वुमनाइजर। उसके पीछे ये रीजन था कि जिस वक्त मैंने राइटिंग में कदम रखा था ना, सारे ही राइटरों को, ये जो पब्लिशर्स हैं उनके राइटर जो है एक फिक्टिशियस शहर दिखाते थे, राजनगर, इब्ने सभी, वेद प्रकाश कंबोज, अकरम इलाहाबादी, जो राजनगर लिख दो। उसमें उनको एडवांटेज ये थी, मेरे को भी थी, जहाँ मर्जी समुंदर दिखा दो, जहाँ मर्जी पहाड़ दिखा दो, जो कुछ जैसे मर्जी दिखा दो, जब काल्पनिक शहर है तो कोई उंगली रख के बताना थोड़ी है कि देखो यहाँ ये है यहाँ वो है। तो जब मैंने पहला नावल लिखा तो आई टोड दैट लाइन, मैंने भी वही किया राजनगर। बाद में जब काफ़ी मेरी मशहूरी हो गई तो मेरे को पछतावा लगा, यार आई एम कैपेबल ऑफ राइटिंग ए बुक डिपिक्टिंग एन एक्चुअल मेट्रोपॉलिटन टाउन, तो क्यों मेरे को ये करूं। लेकिन अब मैं आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं कर सकता ना, सुनील राजनगर में है, उसको मैं बॉम्बे में कैसे दिखाऊँ। तो मैंने अपनी अभिलाषा इस बारे में ऐसे पूरी की, मैं कह मैं एक दिल्ली का किरदार खड़ा करता हूँ, अब पक्का दिल्ली वाला ही लगे। तो मैंने अपनी अभिलाषा इस बारे में ऐसे पूरी की, मैं कह मैं एक दिल्ली का किरदार खड़ा करता हूँ, अब पक्का दिल्ली वाला ही लगे। अब उसके हर आते वगैरह हुए, फिर मैंने सुधीर को लिखे, इसीलिए उसके नावल मैंने कम लिखे हैं, क्योंकि हैंडीकैप बन जाता है ना कि हर कहानी मेरे को उसके वल्गर करेक्टर से मैच करती सोचनी पड़ती है। कोई भली कहानी सुधीर के साथ नहीं चल सकती, वो सुनील के साथ चल सकती है, तो फिर इसीलिए। लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा फ्लड तो सुनील बहुत है, ज्यादा हुआ। सुधीर कोहली वैसे वुमनाइजर है, फ्लड लेकिन सुनील भी है, और सोहल को आपने पक्का पतिव्रता दिखाया। सोहल को हाँ, एक पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत। उसके कई जगह मैंने ऐसे डायलॉग लिखे हैं कि आप मत करो, ये मुमकिन नहीं है,
मैं वैसा मर्द और सारे पंजाबी कैरेक्टर संजो मैंने अपने वजह से नहीं किया। सुनील तो बंगाली है लेकिन जब आप लिख रहे थे तब आपको पता था कि बंगाली होते हैं? मुझे ये नहीं पता था चक्रवर्ती बंगाली होते। लेकिन मैं एक चक्रवर्ती को जानता हूँ जो पंजाबी है। अच्छा तो चलो अच्छा आगे से मैं यही कहा करूंगा। लेकिन मेरे को यही था कि मेरे को कोई रोबदार नाम सूझे इसलिए मैंने चक्रवर्ती लगाया। मैं सिगरेट नहीं पीता था मेरे को सिगरेट की वाकफियत नहीं थी। मुझे लकी स्ट्राइक बड़ा बढ़िया नाम लगा। लिखने के बहुत देर बाद पता लगा कि ये तो बड़ा मामूली सिगरेट है अमेरिका का, मिलती है वो चार मीनार के स्टैंडर्ड का। ऐसे विस्की उसकी लिखनी होती थी तो मेरे को कोई नाम नहीं आता था। मैं आई वॉज नॉट ए ड्रिंकर अप टू 26 ईयर्स ऑफ माई एज, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ बियर। तो मेरे को तो दूसरे से नहीं पूछता था मैं, मुझे हेठी लगती थी कोई बात किसी फेलो राइटर से पूछो। तो फिर धीरे धीरे फिर मेरे को एक आग्रह है कि मुझे इन बातों का एक बैंक बनाना चाहिए। मेरे को अंदर से आवाज़ आई भाई कोई भी बात है अगर मेरे को सूट करती है और उस वक्त पर्टिकुलर टाइम में मेरे को उसका कोई यूज़ नहीं है तो मुझे कम से कम उसे नोट करके रखना चाहिए। तो मेरे पास ऐसी बातों का एक बैंक है जिसको जब मैं जिस सीरीज का नावल लिखता हूँ उसमें से छांट लेता हूँ कुछ। जैसे फुदरे टांगते हैं ना, कहानी तो लिख ली है भी, अब इसकी डेकोरेशन करनी है, केक तो बना लिया, गार्निशिंग करनी है ना। गार्निशिंग का तो स्वाद नहीं होता, स्वाद तो केक का होने जो ऊपर ऐसे ऐसे बेल बूटे बनाते हैं उसकी वजह से तो केक नहीं होता ना। हलवाई वर्क लगाता है मिठाई पर है तो लोग मिठाई खाते हैं, वर्क तो नहीं खाते ना, वर्क तो इंसिडेंशियल है साथ में आया है। तो इस वजह से फिर मैंने एक बैंक तैयार करना शुरू किया। अभी राइटर के लिए हर नॉलेज यूजफुल है तो जो मिस्ट्री से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो वो मेरे पास उसके। वो बैंक कैसे बनाते हैं आप? नोट करता हूँ, नोट कर टीवी देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के या सोच के? न्यूज़पेपर से ज़्यादा देखता हूँ। टीवी में मेरा जब मैं बहरा नहीं था तब भी मन नहीं लगता था। न्यूज़पेपर से आप अपने नोट्स लेते रहे? न्यूज़पेपर से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैंने न्यूज़पेपर की खबर से पूरे पूरे नावल लिख लिए एक दो बार। तो ये जो मैंने पिछला नावल लिखा था कहर नावल जो है, ये सारे दिल्ली की घटनाएं हैं, ये रोड रेज के वास्ते हैं वगैरह। तो मैं इन बातों कुछ को याद रखता था, कुछ को नोट करके रखता था। किसी बड़े आदमी से रिलेटेड हो तो फिर बिल्कुल ही वजह ढूंढता रहता था कि इसको मैं कहीं ठोकूं। रोहित बल जो वो है फैशन डिज़ाइनर, उसकी अखबार में पहले पेज पर खबर पड़ी कि रात के 2 बजे नशे में टून आया तो घर के आगे किसी गाड़ी खबर लेके डंडा लेके उनके घर में घुस गया, उनको मारने दौड़ा। तो फौजदारी हुई, पुलिस आ गई, बड़े लोगों की बात थी, कंप्रोमाइज़ करा के चले गए, केस नहीं बना। लेकिन न्यूज़पेपर वालों को तो न्यूज़ मिल गई ना, तो मैंने रख लिए वो। मैं क्या बताऊँ, मैं नाम नहीं लिखूँगा उसको। अभी ऐसे भी सेलिब्रिटी है जो नशे में ये हरकतें करते हैं, पड़ोसी के घर में पहुँच गया। अब पड़ोसी की भी हरकतें ख़राब थी, उसने चारों पहियों की वो निकाल दिया हुआ। अरे एक की निकाल दें हैं, चारों पहियों की हवा निकाल दी उसकी, अब क्या करेंगे, ये तो हिलनी नहीं है गाड़ी। तो एक मैंने उसका बैंक है मेरे पास डायलॉग्स का भी। रात के 2 बजे मेरे को कोई डायलॉग सूझ जाए मैं काफ़ी सराहने रख के सोता हूँ, सराहने रख के सोता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा कि आप बस यूं ही लिखते रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें और हमें नई नई किताबें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।